सब काम किया, सात निश्चय शुरू किया 16 से, और जब शुरू कर दिया तो कितना ज्यादा लाभ हो गया भाई। अब तो आप जान रहे हमारे सात निश्चय जगह जो काम एक किया गया, सात निश्चय एक का, जो दूसरा सात निश्चय दो का था, इसके बारे में हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने इसके बारे में अपने भाषण में जो बजट पेश किया है उसमें बहुत सारी बातें उसमें रख दी है, इसलिए उसको रिपीट करने की जरूरत तो है नहीं, लेकिन आप जान लीजिए कि कितना फायदा हो गया। आप समझिए, हर घर तक बिजली पहुंच गई, हर घर नल का जल, हर घर तक पक्की गली नाली, शौचालय का निर्माण, कौन सा काम नहीं हुआ। और शौचालय बनाने में तो आप समझ लीजिए कि जिसके पास शौचालय के लिए जगह नहीं था उसके लिए सार्वजनिक शौचालय का हम लोगों ने निर्माण करा के एक एक परिवार को हम लोगों ने एक एक शौचालय का चाबी दिया है कि आप इस पर काम इसको देखिए। तो ये भी शहर हो गांव हो सब जगह ये सब काम हम लोग करवाए ताकि किसी तरह का, तो हर प्रकार से ये सब की दिक्कत सब तरह का चीज हो गया। और सात निश्चय दो में जो हम लोगों ने पिछली बार सारा सब कुछ उसके बारे में हुआ, पिछली बार भी रख दिया गया, बजट में भी आया, इस बार भी बजट में रखा गया है और उसके बारे में भी एक एक बात आपको बता दिया गया है। हम खाली संक्षेप में ये बता देना चाहते हैं कि आप जान लीजिए उसमें जो सोलर स्ट्रीट लाइट देहाती इलाकों में बनाना है तो उसके लिए सारा काम की शुरुआत कर दी गई और पूरी उम्मीद है कि अप्रैल महीने से ही ऐसा लग रहा है कि निश्चित रूप से सोलर स्ट्रीट लाइट वाला काम पूरे तौर पर ये लोग प्रारंभ कर रहे हैं। आप सोचिए रात भर हर गांव में रोशनी रहेगी, तो कल्पना किए थे हमको जरा बताइए, तो शहर में भी रात में रोशनी रहती थी, बोलिए हम लोग तो हर घर तक बिजली पहुंचा दिए और अब कर रहे हैं कि हर गांव में हम लोगों ने तय कर दिया सोलर स्ट्रीट लाइट कि रात में सब लोगों को इसका लाभ मिलेगा, कितना खुश होगा, एक एक गांव कैसा देखने को मिलेगा। कभी हम चलते हैं, एक बार तो हम लोग आ रहे थे शाम में गया से पटना हेलीकॉप्टर से, तो हमने कहा अरे भाई क्या सुंदर दृश्य है, मेरे साथ जो भी अधिकारी थे हमने कहा जरा सबका फोटो लीजिए, जरा देख लीजिए कि बिहार की क्या स्थिति है, गया से पटना है, रास्ते भर रात भर रोशनी ही रोशनी चारों तरफ दिख रही थी।